तो ये देखिए सुल्तानपुर में डाला छठ किस तरीके से मनाई जाती है, ये आपको सुबह देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल हम आए हुए हैं, आज रात में कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पे हुआ था, छठ वगैरह मनाई गई है। तो अभी कुछ प्रोग्राम शांत है, लेकिन सजावट देखिए काफ़ी भरपूर तरीके से छठी मैया का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी जो कल सुबह देखने को आपको मिलेगा ब्लॉग में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो भैया अभी हम लोग हैं सीताकुंड पर, और जो यहाँ पे माहौल बनाया गया है एक नंबर का है भाई देखने में। छठ पूजा का जो इस समय यहाँ पे कहते हैं ना जो उत्सव है वो काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। पीछे देखिए यहाँ पे बारिश वारिश का भी, तो जो पानी वानी सूखाया जा रहा है। बाकी कुछ सेलिब्रेशन हुआ है आज और कल में, और जो होगा कल सुबह के लिए होगा, तो आपसे मुलाकात करेंगे सुबह। हमने सुबह यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, अभी आप लोग देख लीजिए थोड़ा तैयारी काफ़ी अच्छे से है यहाँ पर। भैया उठ चुके हैं, अभी लगभग घड़ी में बज चुके हैं 3:30, और आधे घंटे में निकलना है यहाँ से, चलना है फिर दर्शन करवाने आप लोगों को। चलाओ तैयार हो, तैयार हो, तैयार होते हैं फिर। मान ली रेडी हो चुके हैं, थोड़ा अंधेरा है तो एडजस्ट करिएगा, हुडी वगैरह पहन लिया, ठंड वंड लग रही है, और वैसे भी मैं थोड़ा सा ठीक रिकवर हो रहा हूँ, तो सतर्क होना भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल चलते हैं, फिलहाल दो गाड़ियाँ चल रही हैं अभी, एक ये और एक वो पीछे इंडिगो अपनी वाली। भैया सुबह सुबह चाय मिल गई, तो पहले चाय पियेंगे फिर निकलेंगे यार यहाँ से। अपनी गाड़ी रेडी हो चुकी है पूरा, एक गाड़ी वो रेडी हो चुकी है, अभी 4 बज चुके हैं गाड़ी में, तो चाय कम्प्लीट करते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो फॉग काफ़ी ज़्यादा है, और अभी निकल चुके हैं छठ पूजा के लिए हम मोहित भाई और गुंजन भैया, तो घर चलेंगे भी थोड़ा रिसीव करना, उसके बाद फिर निकलेंगे सीधा यहाँ से। तो चलते हैं अभी, देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, तो सीधा सुल्तानपुर में मुलाकात करते हैं। ज़्यादा फॉग है अभी, देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहुँच चुके हैं सुल्तानपुर, और भीड़ कुछ इस तरीके से है, काफ़ी भीड़ है। अभी चल के देखते हैं, अभी तो रास्ते में, तो भी कुछ दूर पैदल चलना पड़ेगा। गाड़ी यहाँ पे पार्क हो गई अपनी, दोनों एक ही एक ही है। भैया अभी आ चुके हैं सुल्तानपुर, और अभी निकल रहे हैं यहाँ से सीताकुंड घाट की तरफ। भीड़ तो अभी फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है यहाँ से, ये प्रतीत होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में देखने को मिलने वाली है। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको, बाकी रात में तो आप लोगों ने देखा ही था। भैया डाला छठ के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। प्रवीण कुमार अग्रवाल के लगा दिया गया, मतलब पैदल वाले जाएंगे और बाइक वाले। एक नंबर, एक नंबर, काफी भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिल रही है यहाँ पे। और वहाँ पे चलो डांस कर जाते हैं, देखिए यहाँ पे पूजा हो गई। जोरों शोरों के साथ चल रहा है, ये देखिए काफी बढ़िया माहौल यहाँ पे बनाया है। मतलब दिखाते हैं पूजा वगैरह यहाँ किस तरीके से होती है। काफी भव्य तरीके से यहाँ पे पूजन होती है छठ माँ का।
अभी जब सूर्यदेव निकलेंगे उसके बाद जो अर्घ दिया जाएगा वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल रहेगी चीज़ें दिखाने के लिए। काफ़ी जोरों शोरों के साथ मनाया जा रहा है छठ माँ की पूजा। आवाज़ तो पता नहीं जा रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा, और यहाँ पे थोड़ा सा पटाखे वगैरह दगाया जा रहा है और काफ़ी अलग अलग तरीके से दगाया जा रहा है इससे कि और यहाँ पे काफ़ी बड़ी लच्छी लगाई गई है मिर्चे की। सीताकुंड घाट पे आपको देखने को मिलने वाला है, लगभग हर जगह पूजा हो रही है। माका माका से बदल की तरफ से चाय वगैरह भैया पीते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं। अभी थोड़ा शांति में आए हैं क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल आवाज़ निकल ही नहीं रही थी और ना फोन जज कर पा रहा था ना हम जज कर पा रहे थे। थोड़ा शांति में आए हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से मनाया जा रहा है छठ पूजा। और चलिए फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हम लोग चित्रकूट धाम मंदिर के पास हैं, थोड़ा साइड में आ गए हैं। तो लगभग जितनी देर आप यहाँ पे रहिए उतना ही अच्छा लग रहा है देखने में। क्यों भाई साहब, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत तेज बोलिए, बहुत अच्छा। तो चलिए एक बार आप लोगों को फिर से लगातार बढ़ती जा रही है काफ़ी सारी मात्रा में। लेकिन चलते हैं नदी के किनारे और वहाँ पे भी दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि चीज़ें आपको दिख जाए। काफ़ी बढ़िया व्यू देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं नाव से जो व्यू है काफ़ी एक नंबर है। आप देखिए आप लोग ये देखिए। हाँ तुम लिए रहो भाई लिए रहो। कुछ इस तरीके से भीड़ है और इसका जो नज़ारा है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा नाव पे से। किस तरीके से यार यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ है। और भैया सनराइज हो चुका है और आईफोन की बत्ती गुल हो चुकी है, तो आ चुके हैं अपने औकात में। अभी बैठते हैं नाव पे, फिर से दिखाते हैं एक बार आपको। उधर से जो दिखाया था उसका बुरा हाल है, अभी कीचड़ में पूरा पैर धुल आ गए हैं नाव में अभी तक जहाँ पे थे। भैया दिखा देना। हाँ आपके देखिए भाई साहब अपना आज नाव पे ही दर्शन कराएंगे छठ माता का। देखिए बढ़िया सनराइज हो चुका है। तो भैया एक बार आपको सबसे पास से नज़ारा दिखाने की पूरी संपूर्ण कोशिश की जाएगी। ये देखिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहा है और कीचड़ कीचड़ हो करके भैया यहाँ पे आए हैं और आज छठ माता का आपको दर्शन करवाते हैं पास से। ये देखिए तरीके से सेलिब्रेशन काफ़ी जोरों शोरों से किया जा रहा है जो कि काफ़ी अद्भुत देखने में है।
आप लोग बताइए वीडियो कैसा लग रहा है भाई साहब, एक नंबर व्यू है यहाँ पे पीछे, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और बताइए आप लोग कैसा लगा वीडियो, सनराइज भी बढ़िया हो रखा है, ये देखिए पीछे पूरा व्यू। सारा पूजा पाठ प्रोग्राम त्यौहार जो भी कहना है सारी चीज़ें हो चुकी हैं भैया, खत्म। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, अभी वहाँ पे अंदर ज़्यादा गए नहीं, उसके बाद ये दिखाने लायक थी, अभी निकलने का हो चला है, बस चलते हैं घर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय माता दी। भैया चलते हैं घर, देखिए भीड़ अभी भी उधर से काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में आ रही है, चलो ऑटो चलो भाई, चलो भाई चलो 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 भैया।